हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ यूपीएससी के प्रस्पेक्टिव से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो आज है डे 7 अगस्त 2020 और डे है फ्राइडे, ठीक है। तो आइए आज का फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि क्या है। तो हमारा फर्स्ट न्यूज़ है, YRBI did not cut the interest rate contrary the exceptions, ठीक है। जैसा कि हम सब लोग जानते थे कि जब ये COVID-19 आया है तो उसके बाद क्या करेगी जो RBI है, वो जो RBI हमारी है वो क्या करेगी, रेपो रेट घटा देगी, कट कर देगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। RBI ने रेपो रेट कम नहीं किया है, जितना है बोला है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है, जो कि हम सबके एक्सेप्शंस के खिलाफ है, ठीक। मतलब एक्सेप्शन से परे, हम सब ने एक अजम्पशन लगाया था कि जो RBI है वो क्या करेगी, रेपो रेट कम करेगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है, तो ऐसा क्यों नहीं किया है, यही आज के न्यूज़ में है। तो देखते हैं ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी unanimously decided to keep the repo rate unchanged at 4%. जो रिजर्व बैंक है उन्होंने क्या किया, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है, क्या उन्होंने एक साथ क्या किया, डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट 4% है वो उतना ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ रेपो रेट? अब रेपो रेट चेंज नहीं हुआ है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेपो रेट होता क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। रेपो रेट इज़ यूज्ड बाय मॉनिटरी अथॉरिटीज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है। जितने परसेंट पे लोन देती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। जो परसेंटेज डिसाइड होता है उसी परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। और ये क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक के पास क्या होती है, शॉर्टफॉल हो जाती है, कमी हो जाती है पैसे की, तो इसके लिए क्या करता है वो, उसको एक लोन प्रोवाइड करती है। तो लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। और रेपो रेट किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, मॉनिटरी अथॉरिटी के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, जो मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, रेपो रेट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रीजन्स वाई द रेपो रेट रिमेन सेम और अनचेंज, ठीक है। अब क्या रीजन्स हैं कि जो RBI है उसने क्या किया है, रेपो रेट को अनचेंज रखा है या सेम रखा है, ठीक है, उसी तरह रखा है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन इज रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाई द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज इन जून टू 6.09 फ्रॉम 5.84% इन मार्च, ब्रीचिंग द सेंट्रल बैंक मीडियम टर्म टारगेट रेंज ऑफ 2-6%। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, उसका इस बार क्या था, टारगेट क्या था इन्फ्लेशन का, कि जैसे एक टारगेट रखा था उन्होंने कि क्या होगा, 2-6% तक इन्फ्लेशन जाएगा। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग मेजर किया गया है, तो इस बार रिटेल इन्फ्लेशन क्या हो गया है, 6.09 हो गया है 5.84 से बढ़कर। इसलिए उन्होंने क्या किया, रेपो रेट नहीं कम किया है, क्योंकि अगर रेपो रेट कम करते तो मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ जाती तो अभी तो हमारा टारगेट ऑलरेडी टूट चुका है, और लिक्विडिटी बढ़ जाती तो लोगों की डिमांड बढ़ती, और डिमांड बढ़ती तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया है, रेपो रेट को घटाया नहीं है, ठीक है। फिर है हमारा, दैट सीम्स टू हैव बीन अ मेजर रेड फ्लैग विच प्रॉम्प्टेड द MPC's unanimous decisions to refrain from cutting policy rate. इसीलिए इन्होंने एक बहुत डेंजरस, ऐसा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया है, MPCC के तहत डिसीजन लिया है, ठीक है, कि हम लोग पॉलिसी रेट कट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एंड द सेकेंड रीजन इज इन मे द MPC हैड कट द रेपो रेट बाय 40 BPS टू 4% वाइल मेंटेनिंग इट्स एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस, ठीक है। अभी जैसे कि दूसरा रीज़न ये भी है कि उन्होंने क्या किया था,
मई में ही अपना जो रेपो रेट है वो 40 BPS तक कम किया था, ठीक है। तो 40 BPS कम करके क्या कर दिया था, 4% कर दिया था। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, फटाफट तुरंत क्या कर सकते हैं, रेपो रेट कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन इफेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लास्ट 7 months द MPC हैज़ ऑलरेडी स्लैश द रेपो रेट बाय 115 BPS एम द COVID-19 आउटब्रेक एंड कॉन्सिक्वेंट इकोनॉमिक फॉलो इवन इज ट्रांसमिशन बाय बैंक टू कंज्यूमर इज स्टिल टू किक इन फुल्ली, ठीक है। पिछले 7 महीनों में ये देखा गया है कि जो रेपो रेट है वो क्या किया गया है, 115 BPS तक कम कर दिया गया है COVID-19 के आउटब्रेक तक देखने के लिए। उनका कहना ये है कि ये अभी कंज्यूमर्स में इसका फैलाव बढ़ेगा धीरे धीरे, और हम अगर इंस्टेंसली क्या करेंगे, रेपो रेट कम करते रहेंगे, तो कंज्यूमर तक ये पहुँचते बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अभी जो हमने 115 BPS कम किया है वही अभी तक हमारे कंज्यूमर्स पास तक नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो उसको एटलीस्ट पहुँचने दीजिए, फिर कोई फैसला करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसको आइए एंड करते हैं, एंड नोट देखते हैं क्या है, ठीक है। Along its decision to hold rates, the central bank also announced a major restructuring package for stressed MSME loans, rescheduling of loans scheme, ठीक है। और अपने रेपो रेट को एक ना कम करने का एक जो इनका डिसीजन है, उसके साथ साथ इन्होंने एक और भी डिसीजन लिया है कि ये जो MSME है, जब हम लोग जान रहे हैं MSME क्या है, इस टाइम बहुत स्ट्रेस में है, ठीक है, COVID-19 के वजह से, तो उसके पैकेज में क्या किया है, इन्होंने बोला है कुछ रिस्ट्रक्शन करेंगे, रिशेड्यूल करेंगे उनके लोन्स स्कीम को, ठीक है। विच बैंक एंड NBFCs हैव बीन स्ट्रांगली पिचिंग फॉर गिविंग द माउंटिंग कंसर्न्स ऑन द बैड लोन्स फ्रंट, अ पैनल विल बी सेट अप टू ड्रॉ अप द डिटेल्स ऑफ दिस स्कीम। जैसा कि हम लोग जान रहे, जो बैंक्स है और NBFCs है, उनको क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा पिच किया जा रहा है कि जो उनके बैड लोन्स है वो भरे, तो इस पर क्या किया जाएगा, एक पैनल बैठाया जाएगा और उस पर इन सारे स्कीम्स के बारे में क्या किया जाएगा, डिटेल में चर्चा किया जाएगा, ठीक है, कि आखिर उनके लिए क्या स्कीम लेके आए और क्या करना चाहिए उनके बैड लोन्स को भरने के लिए, ठीक है। तो यही था हमारा फर्स्ट न्यूज़, ठीक है। आइए सेकंड न्यूज़ देखते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या है हमारा, इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया रिस, ये जो इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें कुछ ये बनाया गया है, ठीक है, इंडिया रिस्क इसका नाम दिया गया है। इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ लॉन्च अ न्यू वर्जन ऑफ द इंडियन वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया रिस्क विथ न्यू फंक्शनैलिटीज एंड फीचर। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या किया, डेवलप किया गया, जिसको नाम दिया गया इंडिया रिस्क, और उसके साथ साथ क्या है, उसमें कुछ नया फंक्शंस और नए फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया है, ठीक है। फिर व्हाट इज इंडिया रिस्क, इंडिया रिस्क क्या है, इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, ओपन टू द पब्लिक एंड एक्सेसिव थ्रू द वेब पोर्टल, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो हाइड्रोलॉजी है हमारी, हाइड्रोलॉजी मतलब जैसे कि जो भी पावर पॉइंट्स होते हैं, वाटर पावर पॉइंट्स या लैंड रिसोर्सेज, जो इनके लिए क्या है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम करेगा, जो कि किसके लिए बनाया गया है, पब्लिक के लिए बनाया गया है, जो पूरे पब्लिक को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, एक्सेसिबल थ्रू वेब पोर्टल, इसका एक वेब पोर्टल बना दिया जाएगा, उस पर क्या करेंगे, जाके पब्लिक क्या कर सकती है, जितने भी उनके वाटर के बारे में जानकारियां हैं वो सारी क्या ले सकती है, वो ले सकती है, ठीक है पब्लिक। This portal contains information related to water resources through dashboards from rainfall, far rain, for rainfall, water level and discharge of rivers. ये portal किस बारे में information रखेगा, ठीक है। तो ये water resources से related क्या होगा, सारे information रखेगा, जैसे कि water level कितना है particular हर area का, ठीक है, discharge of river उस area में हर area का होगा, तो उस river में क्या water किस तरीके से डिस्चार्ज किया जाता है, वो ग्राउंड लेवल वाटर्स क्या है, रिजर्वॉयर स्टोरेज के बारे में होगा, ठीक है, इवोपरेशन ट्रांसमिशन की वो कितना हमारा पेड़ इवोपरेट करता है, ठीक है, एंड सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में वहाँ के जमीन में कितनी मॉइस्चर है, सॉइल में कितनी मॉइस्चर है, एज वेल एज अ मॉड्यूल ऑन वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट, वाटर बॉडीज, हाइड्रोमेट डाटा अवेलेबिलिटी एंड टूल्स फॉर GIS लेयर एडिटिंग, ठीक है। इसमें जितने भी वर्क चल रहे होंगे उन सब के बारे में भी क्या होगी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ठीक है।
फिर है हमारा इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम एजेंसी सो दैट इट बिकम अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फ्रॉम एनी डाटा रिलेटेड टू वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज. ठीक है, ये जो भी उनकी पर्टिकुलर एजेंसीज होगी, ठीक है, हर चीज़ की एजेंसी होती है ना, ग्राउंड वाटर लेवल नापने की हर चीज़ की, तो ये क्या करेगी, हर एजेंसी से इंफॉर्मेशन लेके इस पोर्टल पे डाल देगी. तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि अगर हमें वाटर और लैंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें आसानी से क्या करे, मिल जाए. ठीक है, फिर है अ सिक्योर्ड लॉग इन. सेंट्रल एंड स्टेट वाटर एजेंसीज कैन इंटर एनालाइज वैलिडेट एंड मैनेज डाटा फ्रॉम वाटर लेवल बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर फ्लो वाटर क्वालिटी सेडिमेंट्स एंड मैनी क्लाइमेट पैरामीटर्स. इसको क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रन कर सकती है. ठीक है, उसके सेडिमेंट्स, उसकी क्वालिटी, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, हर कुछ को क्या कर सकती है, नाप सकती है और मैनेज कर सकती है. ठीक है, और कुछ क्लाइमेट अगर पैरामीटर्स है तो उनको भी क्या कर सकती है, ये उसके हिसाब से अकॉर्डिंग सही कर सकती है. फिर व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या की फीचर्स है. ठीक है, थ्रू दिस पोर्टल एनी स्टेक होल्डर्स कैन विजुअलाइज द इंफॉर्मेशन इन अ यूजर फ्रेंडली मैनर एज वेल एज डाउनलोड द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल रिपोर्ट्स एंड ग्राफ्स. इससे क्या होगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उन सबको क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा कि वो क्या करें, कोई भी इंफॉर्मेशन वाटर से रिलेटेड जाके देख सके और उनको क्या कर सके, डाउनलोड भी कर सके. सर ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में वो डाउनलोड भी कर सकते हैं कोई भी रिपोर्ट और कोई भी ग्राफ को. ठीक है, फिर है हमारा वाटर इंफॉर्मेशन ईजली मेड अवेलेबल टू यूजर एंड जनरल पब्लिक फॉर डिसीजन मेकर्स वाटर मैनेजर्स फार्मर्स एंड एक्सपर्ट्स डायरेक्ट एक्सेस टू हाइड्रोमेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज. ठीक है, वाटर इंफॉर्मेशन जो भी होगा बहुत ईजली क्या होगा, यूजर्स और जनरल पब्लिक को ये अवेलेबल हो जाएगा. डिसीजन मेकर्स जिनको उसके बारे में कुछ डिसीजन लेना हो, वाटर मैनेजर्स फार्मर्स एक्सपर्ट्स ठीक है, वो सारे क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रियल टाइम डाटा अवेलेबल विथ वन क्लिक. हमें अभी तुरंत की न्यूज़ क्या है, वो एक क्लिक से ही पता चल जाएगी. ठीक है, वैरायटी ऑफ मॉड्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट नीड्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट. जिनको अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज जैसे लेटेस्ट डालना हो, कुछ डेवलपमेंट हो रहा हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, तो उस सब के लिए क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन लोगों को बहुत ईजिली मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल्स कैन यूज़ द डाटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट टू नो द अवेबिलिटी ऑफ वाटर इन देयर लोकेलिटी ग्राउंड वाटर लेवल लेवल ऑफ वाटर इन द नियर बाय रिवर एंड सच मैनी फैक्ट्स. ठीक है, इंडिविजुअल क्या कर सकेंगे, इस डाटा को यूज़ कर पाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उनके एरिया में कितना वाटर अवेलेबल है, कितना ग्राउंड वाटर है, कितना वाटर उनके रिवर में है. ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स उनको क्या होंगे, आसानी से पता चल जाएंगे. How significant will be the data provided by this system? इस सिस्टम से जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो किस हद तक क्या है सिग्निफिकेंट है, यही बोला जा रहा है. प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन यूटिलाइज दिस डाटा फॉर देयर स्टेट्स बेसिंस फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट. जो प्लानर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो क्या कर पाएंगे, इस डाटा को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे. ठीक है, किस चीज़ में यूटिलाइज कर पाएंगे, ताकि वो जो भी उनके वाटर यूटिलाइजेशन है उसके बारे में क्या कर सके, प्रॉपर प्लान बना सके और क्या कर सके, फ्लड और ड्रॉट के चांसेस भी कम कर सके. ठीक है, अगर हमें पता रहेगा कि ऑलरेडी इस एरिया में वाटर ज़्यादा है तो इस एरिया में कितना वाटर छोड़ना है या किस हिसाब से वाटर को प्लान करना है उसके ताकि फ्लड या ड्रॉट के चांसेस कम रहें, तो उस हिसाब से क्या कर पाएंगे, प्लानर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको प्लान कर पाएंगे. ठीक है, फिर द इंफॉर्मेशन इज बेनिफिशियल टू मैनेज डिजास्टर अकर्ड बाय वाटर. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल होगा कि जितने भी डिजास्टर्स होते हैं वाटर की वजह से उन सबको क्या किया जाए, मैनेज किया जा सके. ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैन बी डेवलप. जो डिसीजन लेने
की अथॉरिटी होती है, जो मैनेजमेंट होता है, सिस्टम होता है, वो भी क्या होगा, दिन पे दिन डेवलप्ड होगा, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। रिसर्चर्स कैन यूटिलाइज द डाटा फॉर वाटर रिलेटेड स्टडीज एंड मॉडलिंग पर्पज एज द डाटा फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर सच स्टडीज इज अवेलेबल। जो रिसर्चर्स होंगे वो क्या कर पाएंगे, अलग अलग रिसर्च कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको जो भी डाटा चाहिए होगा वो इस पोर्टल पे क्या होगा, अवेलेबल होगा उनके स्टडी के लिए। ठीक है, इसका इन नोट देख लेते हैं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट लॉन्च द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया रिस इन जुलाई 2019। ये जुलाई 2020 में ही लॉन्च कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात है कि ये फर्स्ट वर्जन है, ठीक है, इसको कोई भी अमेंड नहीं किया गया है, दूसरा नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट वर्जन है अभी। तीसरा हमारा न्यूज़ है किसान रेल। ठीक है, किसान रेल, जैसे कि हम लोग फर्स्ट शॉर्ट में ही आपको पहले बता देती हूँ कि जो हमारे किसान होते हैं, हमारे फार्मर्स होते हैं, वो कुछ पेरिशेबल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वो क्या कर सकते हैं, दूसरे शहर, दूसरे जगह पहुँचा नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है, टाइम टेकन होता है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पेरिशेबल गुड्स ख़राब हो जाते हैं, तो उसी के लिए किसान रेल स्टार्ट की गई है। आइए इसको देख लेते हैं। इंडियन रेलवे इज इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट किसान रेल फ्रॉम देवलाली टू दानापुर ऑन 7/8/2020 एट 11 hours फ्रॉम देवलाली। ठीक है, एक इंडियन रेलवे है, उन्होंने क्या किया है, पहला किसान रेल क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, जो देवलाली से दानापुर तक जाएगी, और ये क्या किया गया, आज ही लॉन्च किया गया। ठीक है, व्हाट इज़ द रेल विल सप्लाई, अब रेल क्या सप्लाई करेगी, ठीक है, द ट्रेन विल प्रोवाइड सो एक मिनट फ्रेंड्स, कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, कुछ होगा। द ट्रेन विल प्रोवाइड सप्लाई चेन ऑफ पेरिशेबल प्रोड्यूस। ठीक है, जो भी पेरिशेबल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनके क्या करेगी, सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए काम किया गया है। ठीक है, द ट्रेन विल हेल्प इन ब्रिंगिंग पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल फ्रूट टू मार्केट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये ट्रेन किस चीज़ में मदद करेगी, जो पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उनको मार्केट तक पहुंचाने में मदद करेगी और बहुत कम से कम टाइम में पहुंचाएगी। ठीक है, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स क्या है, इन द यूनियन बजट 2020-2021 मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैड एन अनाउंसमेंट टू बिल्ड अ सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर पेरिशेबल इंक्लूसिव ऑफ मिल्क मीट एंड फिश। इट वॉज ऑल्सो स्टेटेड दैट द इंडियन रेलवे विल सेट अप अ किसान रेल। जो 2020 और 2021 का यूनियन बजट था, उसमें क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो क्या करेंगे, कोल्ड सप्लाई चेन को बढ़ाएंगे, नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन को बढ़ाएंगे पेरिशेबल आइटम्स के, ठीक है, जिसमें मिल्क मीट फिश सब होगा। ठीक है, और उन्होंने ये भी उसमें बताया था कि वो बहुत जल्दी क्या करेंगे, किसान रेल को लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन रेलवे क्या करेगी, किसान रेल चलाएगी, जिससे क्या होगा, बहुत कम टाइम में उनके गुड्स क्या होंगे, मार्केट तक ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा द ट्रेन विल रन फ्रॉम देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर बिहार। ये क्या है, देवलाली जो कि महाराष्ट्र में, कहाँ तक जाएगी, दानापुर तक जाएगी। ठीक है, ऑन वीकली बेसिस, वीकली चलेगी। ठीक है, विथ इनिशियल कंपोजिशन ऑफ 10+1 VPS द ट्रेन विल रीच दानापुर एट 18:45 hours। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट डे कवरिंग द जर्नी ऑफ 1519 किलोमीटर इन 30 hours। ठीक है, वो क्या करेगी, दूसरे दिन शाम तक पहुंच जाएगी, इतना किलोमीटर वो उसमें कवर करेगी, 1519 किलोमीटर्स। ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी ट्रेन एंड विल कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये पहला ऐसा मल्टी कमोडिटी ट्रेन होगा जो कि क्या होगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों को कैरी करेगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द ट्रेन विल बी पार्टनराइज्ड वेल and will be a great help to the farmers as freight of these train will be charged as a parcel tariffs of normal train। ठीक है, ये इसको माना जा रहा है कि ये क्या होगा, बहुत अच्छा well होगा farmers के लिए। ठीक है, उनकी बहुत help करेगा, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि इसके जो freight होंगे वो normal train की तरह ही होंगे। अगर normal train से कोई हम parcel भेजते थे, जितना उस पर tariff लगता था, charge लगता था, उतना ही इस train पर भी लगेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको sum up करते हैं, end note क्या बोलता है, This train is a step
towards realizing the goals of doubling farmers income by 2020. जैसा कि हम लोग जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने स्पीच में ये बोला था कि वो 2022 तक क्या कर देंगे, फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे. तो ये क्या है? उसी गोल को पूरा करने के लिए एक स्टेप है. इंडियन रेलवेज एम्स टू हेल्प डबल द फार्मर्स इनकम. यहाँ पे होगा डबल्स द फार्मर इनकम. ठीक है, यहाँ पे होगा जो इंडियन रेलवे है वो ये एम कर रही है कि वो क्या करे, हेल्प करे फार्मर्स की, ताकि उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाए. ठीक है, फिर हमारा फोर्थ न्यूज़ क्या कहता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन NHAI एंड IIT दिल्ली, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और IIT दिल्ली के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है. क्यों साइन हुई है, क्या इसका मोटिव है, देख लेते हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टूडे साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर काम करती है. आज इन्होंने क्या किया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. किसके साथ किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ किया है, टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड एडवांस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हाईवे. उन्होंने ये क्यों किया, ताकि वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सके, एक सेंटर बना सके जहाँ पे क्या हो, एक क्या हो, पूरा डिसीजन तैयार हो कि हाईवेज पे जैसे कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, उन सब के लिए क्या हो, एक पूरा का पूरा पहले ही डिसीजन तैयार हो जाए कि कैसे होगा, एक्सीडेंट कम कैसे होंगे. तो वही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है, एक ऐसी जगह बना रही है जहाँ पे क्या हो, ये सारा कुछ तैयार हो. तो ये काम कहाँ होगा, IIT दिल्ली में होगा. ठीक है, द स्केल मैटर, ये स्केल क्या मैटर करता है देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. जो कि IIT Delhi will work with NHAI on developing advanced analytics based on AI and machine learning, artificial and आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. IIT दिल्ली क्या है, NHAI के साथ काम करेगी, किस चीज़ पे काम करेगी, ताकि वो क्या है, जो हाईवेज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू क्या कर सके, उनको क्या कर सके, डेवलप कर सके. ठीक है, द आइडेंटिफाइड थ्रस्ट एरिया एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डाटा मैनेजमेंट, हाई नेटवर्क टैरिफ डिमांड एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट, हाईवे सेफ्टी, हाईवे वर्क जोन मैनेजमेंट, हाईवे पेवमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. वहाँ पे क्या होगा, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उन सबका मैनेज किया जाएगा, उनके नेटवर्क को मैनेज किया जाएगा, उनके सेफ्टी पे ध्यान दिया जाएगा, उनके क्या है पेवमेंट जो साइड में रोड वोड बन रहे हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा. हर कुछ पे क्या होगा, वहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, फिर उन सब पे क्या काम होगा, उन पे डिसीजन होगा, उन पे प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा. ठीक है, IIT दिल्ली विल प्रोवाइड स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सपोर्ट टू हाउस अलॉन्ग विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज. IIT दिल्ली क्या अपने कैंपस में एक जगह प्रोवाइड करेगी उनको, जहाँ पे क्या होगा, उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सपोर्ट किए जाएंगे. ठीक है, और वो किसके साथ किए जाएंगे, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ. उन सबको क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, उनका प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाएगा. एंड NHAI विल प्रोवाइड क्रिटिकल डाटा सपोर्ट एंड नेसेसरी एक्सेस टू इट्स इन्फॉर्मेशन रिसोर्स इंक्लूडिंग द डाटा सॉफ्टवेयर डाटा लेक. ठीक है, और जितनी भी डाटा की कमी होगी उनके पास, वो सारी डाटा उनको कौन पहुँचाएगा, NHAI पहुँचाएगा. ठीक है, इसको एंड करते हैं. द एडवांस AI बेस्ड डाटा एनालिटिक्स ऑफ हाईवेज एंड ट्रैफिक पैटर्न्स एट COE विल फैसिलिटेट इन डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एट नेशनल लेवल्स. ठीक है, मतलब इसका एक यही कहना है कि हम अपने डाटा दे के क्या करेंगे लोगों को, हम अपना डाटा दे के हाईवे के लिए क्या किया जाएगा, एक फैसिलिटी, एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा IIT दिल्ली के टेक्निकल और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के साथ. ठीक है, ताकि वहाँ पर एक्सीडेंट कम हो सके, वहाँ पर रोड जल्दी जल्दी बन सके, या जो भी कमी हो. ठीक है, फिफ्थ न्यूज आइटम हमारे पास क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG गिरीश चंद्र मुर्मू.
ठीक है, हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आज अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, देख लेते हैं इसका कंटेक्स्ट क्या है। गिरीश चंद्र मुर्मू अपॉइंटेड द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको एक नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैच जिसको बोलते हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, हु इज़ गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ही वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर अब हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे गवर्नर तो होते नहीं है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होते हैं। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू कौन थे? जम्मू एंड कश्मीर के पहले, सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, बिफोर बींग अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, मुर्मू वॉज द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड हैड ड्राफ्टेड द डेवलपमेंट। ये क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होने से पहले भी ये क्या थे, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे। किसके? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक है, एक्सपेंडिचर मैंने सेक्रेटरी मतलब जितने भी खर्चे होते थे वो इसको देखते थे। और इन्होंने एक पॉलिसी भी ड्राफ्ट की थी, इन्होंने ड्राफ्ट किया था डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन नवंबर 2015। जो नवंबर 2015 में नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, एक डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया था। वो डेवलपमेंट पैकेज किसने डिज़ाइन किया था? इन्होंने, मुर्मू साहब ने क्या किया था, डिज़ाइन किया था। ठीक है, मुर्मू टेक ओथ एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन अक्टूबर 31, 2019। जब अक्टूबर 31, 2019 जब जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर लिया गया था, ऑफिशियली यूनियन टेरेटरी डिक्लेयर कर दिया गया था, तो इनको पहला वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बनाया गया था। When Jammu and Kashmir was officially bifurcated into two union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, जब Jammu and Kashmir को officially क्या कर दिया गया था, divide कर दिया गया था दो union territories में, एक Jammu and Kashmir एक Ladakh में। ठीक है, तब मुर्मू साहब वहाँ के क्या बने थे, पहले lieutenant government बने थे। ठीक है, controller and auditor general कैच क्या होता है, current कैग इज श्री राजीव महर्षि, फॉर्मर IAS ऑफिसर। अभी के कैग कौन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि साहब हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एन अथॉरिटी एस्टैब्लिश बाई आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के बारे में हमारे आर्टिकल 148, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, उसमें बताया गया है। ठीक है, कैग ऑडिट्स ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑफ बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कैग उन सारे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को चेक करता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, रेगुलेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और वो सारी बॉडीज़ जिसको क्या करती है, गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, उन सबको भी क्या करता है, उसके रिसिप्ट और उसके एक्सपेंडिचर्स को क्या करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट एंड ओन्ड कॉरपोरेशन एंड कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इफ That is any non-banking, non-insurance company which union government has a equity share of at least 51% or subsidiary company of existing government company. ठीक है, कोई भी government company की अगर subsidiary company है तो उसका भी audit करती है, या non-banking, non-insurance company जिसमें क्या हो, government का कम से कम 51% share हो, ये वो सारे institutions को क्या करती है, audit करती है, उनके receipts और उनके expenditure को क्या करती है, ऑडिट करती है। द कैग इज ऑल्सो द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जो कैग क्या होता है, एक इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसका हेड होता है। ठीक है, द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग आर लेड इन पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एंड टेकन इन टू कंसिडरेशन बाई द पब्लिक अकाउंट कमिटी। ठीक है, जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमिटी है वो क्या करती है, कैग से रिपोर्ट क्या करती है, लेती है, और उसको फिर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करती है, उनसे क्वेश्चन करती है कि आपका कैग जो कंट्रोलर जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया है वो आपके एक्सपेंडिचर को इतना दिखा रहा है, आप इतना बोल रहे हैं। एंड कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स विच आर स्पेशल कमिटी इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्पेशल कमिटी जो बनी होती है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर के, उनके सामने क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये थी हमारी न्यूज। नेक्स्ट हमारा न्यूज है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स आर्क नॉलेज पैक। ठीक है,
एक एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का प्लान हो रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का प्लान हो रहा है, देख लेते हैं क्या है। यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर रिलीज एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नॉलेज पैक। दिस इंक्लूड्स MOU टू बी साइंड विथ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रोवाइड ईज ऑफ लिविंग टू अर्बन माइग्रेंट्स इन द कंट्री। जो हमारी यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर, उन्होंने एक एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नॉलेज पैक क्या किया है, रिलीज किया गया है। और ये क्या किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें साइन हुआ है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से। और ये क्यों बनाया गया है, क्यों रिलीज किया गया है, ताकि जो अर्बन माइग्रेंट्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह हम अर्बन एरियाज में जाते हैं घूम फिर के, उनको क्या हो सके, एक इजी लाइफ क्या हो सके प्रोवाइड हो पाए, वो उनको एक अच्छा सा जगह एक सस्ते दाम में मिल सके। ठीक है, इसके डिटेल्स देख लेते हैं थोड़े। द यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड आर्क एज अ सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। जो एक प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है उसी के अंदर में इसको एक सब स्कीम बताया गया है, ठीक है, आर्क को। अर्लियर दिस मंथ टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी टू माइग्रेंट वर्कर्स एंड अर्बन पुअर। इस मंथ के एक मंथ पहले ही क्या हुआ, इसको बताया गया है। और इसका मेन वर्क क्या होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अर्बन पुअर्स हैं, जो मतलब शहर के भी जो पुअर्स हैं, गरीब लोग हैं, उनको क्या कर सके, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू टू मॉडल्स इन द कंट्री। ये जो आर्क है इसको दो मॉडल्स में क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अंडर द फर्स्ट मॉडल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फंडेड वैकेंट हाउस विल बी कन्वर्टेड इंटू आर्क थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बाय पब्लिक एजेंसी फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। जो अभी गवर्नमेंट फंडेड हाउस हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाएगा, आर्क में बदल दिया जाएगा। जितने भी घर को क्या करती थी गवर्नमेंट फंड करती थी, उनको क्या कर दिया जाएगा, आर्क में बदल दिया जाएगा। और ये 25 सालों के लिए होगा। और किसके पार्टनरशिप पर बनेगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पार्टनरशिप से ये बनेगा। ठीक है, अंडर द सेकेंड मॉडल आर्क विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाई पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज ऑन देयर ओन अवेलेबल वैकेंट लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। जो उनके वैकेंट लैंड से खाली लैंड पे, उनमें अगले 25 सालों में और भी कंस्ट्रक्शन होंगे, घर बनाए जाएंगे, और उनको क्या किया जाएगा, अफोर्डेबल प्राइस पे क्या किया जाएगा, अर्बन पुअर लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्क स्कीम विल नॉट ओनली बेनिफिट अर्बन माइग्रेंट्स एंड पुअर बट विल ऑल्सो एक्सेलरेट इंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन रेंटल हाउसिंग मार्केट गिविंग बूस्ट इन द इकोनॉमिक। ये जो अगर आग सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये सिर्फ क्या होगा, माइग्रेंट को ही हेल्प नहीं करेगा, ये जो हमारे पुअर्स हैं उनको भी हेल्प करेगा, इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएगा, रेंटल हाउसिंग में क्या होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, और ये हमारे इकोनॉमी को भी क्या करेगा, बूस्ट करेगा। ठीक है, ये था हमारा 6th news। हमारा 7th news क्या है, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन क्या कहता है देख लेते हैं। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन एम हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एम आईक्रेस्ट। ठीक है, नीति आयोग ने एक अटल इनोवेशन मिशन के तहत क्या किया किया है, लॉन्च किया है आईक्रेस्ट। आईक्रेस्ट क्या है, इट इज़ एन इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर अ रॉबस्ट इकोसिस्टम फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होगा कि जो हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स हैं, जो ज़्यादा ग्रोइंग कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनको क्या करना, उन पर ज़्यादा फोकस करना, उनको कैपेबल करना, उनको क्या करना, इंडिया में जगह प्रोवाइड कराना। ठीक है, अंडर द इनिशिएटिव द एम इनक्यूबेटर आर सेट टू बी स्केल्ड एंड प्रोवाइड रिक्विजिट सपोर्ट टू फास्टर द इंक्यूबेशन इंटरप्राइज इकोनॉमी। ये क्या करेगा, उनको क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि ये इंटरप्राइज जल्दी से क्या हो सके, बूस्ट कर सके और इकोनॉमी में हेल्प कर सके। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव फॉर एडवांसिंग इनोवेशन एट स्केल इन इंडिया टू इनकरेज एंड इनेबल हॉलिस्टिक प्रोग्रेस इन इनक्यूबेटर इकोसिस्टम अक्रॉस द कंट्री। ये एक बहुत बड़ा और पहला क्या है, ऐसा हॉलिस्टिक प्रोग्रेस है जो कि इंडिया में कंट्री में होगा। एम हैज़ ज्वाइंट हैंड्स विल बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड वाधवानी फाउंडेशन फॉर द प्रोग्राम। इसमें किस किस का हाथ है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स का और वाधवानी फाउंडेशन का, मिलके ये क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स।
The UN Human Rights Committee monitors implementation of International Convention on Civil and Political Rights. ठीक है, जो ह्यूमन राइट कमीशन है उन्होंने मॉनिटर किया है कि ताकि जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए. ठीक है, दे हैव इशूड अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल गाइडेंस ऑल्सो नोन एज जनरल कमेंट ऑन आर्टिकल 21 ऑफ ICCPR अबाउट फंडामेंटल राइट ऑफ पीसफुली असेंबली. ये क्या करेगी, ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल गाइडेंस है जिसको हम लोग जनरल कमेंट के नाम से भी जानते हैं. ये हमारे आर्टिकल 21 का भी एक पार्ट है जिसमें क्या किया गया है, बताया गया है कि जो असेंबली, जो कोई भी मीटिंग हो वो पीसफुली होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा कि उसमें कोई हथियार वथियार नहीं यूज होने चाहिए. ठीक है, ICCPR is in a multilateral treaty adopted by the UN General Assembly resolution. ये एक multilateral treaty है, किसके द्वारा adopt की गई है, UN General Assembly resolution के द्वारा क्या किया गया, adopt किया गया. There are certain rights enshrined in ICCPR which are specifically enumerated in Constitution of India like right of life and personal. इसमें क्या है, बहुत सारे enshrined राइट्स हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है, जैसे कि राइट ऑफ लाइफ, हमें जीने का अधिकार है, पर्सनल क्वालिटी, फ्रीडम ऑफ कंसाइसनेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. इसके अंदर भी क्या है, ये सारे राइट्स मेंशन है. इंडिया हैज नॉट ओनली साइन द ट्रीटी बट ऑल्सो रेटिफाइड इट. इंडिया ने सिर्फ क्या किया है, इस ट्रीटी को साइन ही नहीं किया है, इसने क्या किया है, इस ट्रीटी को रेटिफाइड भी किया है. ठीक है, इसकी पुष्टि भी की है. नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है वर्मिन. ठीक है, वर्मिन क्या होता है, वर्मिन वो जैसे ऐसे पशु पक्षी होते हैं जिनके वजह से हमारे खेत या ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स को कोई भी हार्म होता है तो उसको क्या करती है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर देती है, वर्मिन डिक्लेयर कर देती है ताकि हमें उसको मारने का राइट मिल जाता है. ठीक है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट एसोसिएटेड द अर्जेंट नीड टू फाइंड एन अल्टरनेटिव टू किलिंग मैरोडिंग वाइल्ड एनिमल एज वर्मिन इवन वाइल्ड प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम देम. जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पर तर्क किया है कि जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, इसका अल्टरनेटिव निकालना चाहिए उसको मारने के बजाय. क्यों, क्योंकि उनको भी एक जीने का हक है, उनको हम लोग वर्मिन डिक्लेयर कर करके मार नहीं सकते हैं. दीज आर वाइल्ड एनिमल्स दैट आर बिलीव टू बी हार्मफुल टू क्रॉप्स फार्म एनिमल्स और विच कैरी डिसीज. ठीक है, ये वर्मिन क्या होती है, एक वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जिनको ये माना जाता है कि वो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, या क्या करते हैं वो अपने साथ कुछ डिसीज, कुछ बीमारियाँ लेके चलते हैं. ठीक है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है. वर्मिन डिक्लेयर करने के बाद क्या हो जाता है, हमें एक अथॉरिटी मिल जाती है, राइट मिल जाती है उनको मारने का. एज पर सेक्शन 62 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, स्टेट कैन सेंड अ लिस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू द सेंटर रिक्वेस्टिंग इट टू डिक्लेयर देम वर्मिन फॉर सेलेक्टिव स्लॉटर. जो सेक्शन 62 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, स्टेट क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, जो हमारी सेंटर को है वो क्या करती है, एक लिस्ट भेजती है वाइल्ड एनिमल्स का और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि जो कुछ प्राणी है उसमें से, जो कुछ जीव जंतु हैं, उनको क्या कर दिया जाए, वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए. ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी वाइल्ड एनिमल अदर देन दोस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल एच ऑफ द लॉ टू वर्मिन फॉर एनी एरिया ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, किसी भी वाइल्ड एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन जो भी हमारी चीज़ें शेड्यूल 1 और पार्ट 11 ऑफ शेड्यूल एच में, उनको छोड़ के और किसी को भी क्या कर सकती है, वो वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है. ठीक है, As long as the notification is in force, such wild animal shall be included in Schedule 5 of WPA 1972. और जैसे ही इनका notification vermin का क्या हो जाता है, declare हो जाता है, इनको vermin declare कर दिया जाता है, तो इसको किस में add कर दिया जाता है, Schedule 5 of WPA 1972, Wildlife Protection Act 1972 में इसको add कर दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल डिफिसिट. फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, द सेंटर्स फिजिकल डिफिसिट हैज ऑलरेडी रीच्ड 83.2% ऑफ द बजट एस्टिमेट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020-2021. ठीक है, जो 2020 और 2021 का हमने एक फिजिकल डिफिसिट का एस्टिमेशन लगाया था, उसने क्या किया, एक क्वार्टर में ही वो कितना पहुंच गया, 83.2% तक पहुंच चुका है. ठीक है, अब फिजिकल डिफिसिट इज अ शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट इनकम. ठीक है, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उसमें कमी आ जाती है. ठीक है, कंपेयर्ड विथ इट्स स्पेंडिंग. ठीक है,
जितना वो स्पेंड कर रहा है अगर उससे कम उसकी इनकम है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट टैक्सेस एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है कि गवर्नमेंट कितना कमा रही है टैक्स से और नॉन डेप्ट कैपिटल कितने हैं और उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को जब माइनस करते हैं। ठीक है, अब फिजिकल डेफिसिट इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल डेप्ट। जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो फिजिकल डेप्ट से कम होता है। फिजिकल डेप्ट क्या होता है? फिजिकल डेप्ट इज द टोटल डेप्ट एक्यूमुलेटेड ओवर ईयर ऑफ डेफिसिट स्पेंडिंग। ठीक है, टोटल डेप्ट क्या होता है? जितना हमने उधारी लिया है वो उधारी हमें भरना है। ठीक है, ये होता है। लेकिन फिजिकल डेप्ट क्या होता है? टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिंग। जब हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, इनकम कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट इज नॉट यूनिवर्सली रिगार्डेड एज अ नेगेटिव इवेंट। अगर फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? हर कंट्री का एक पार्ट होता है। अगर फिजिकल डेफिसिट नहीं हो रहा है तो भी क्या होता है, कंट्री के लिए ख़राब होता है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक क्या ये माना जाता है कि गवर्नमेंट कहीं स्पेंड नहीं कर रही है, तभी तो फिजिकल डेफिसिट हो नहीं रहा है। इसलिए बोला जा रहा है फिजिकल डेफिसिट को हम लोग यूनिवर्सली नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, अ हाई फिजिकल डेफिसिट कैन ऑल्सो बी अ गुड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, अगर कभी कभी ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होता है तो इसको अच्छा भी माना जाता है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन क्यों अच्छा माना जाता है? इफ़ द मनी स्पेंड गोज इन टू द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक हाईवे दैट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिजल्ट इन जॉब क्रिएशन। लेकिन उसी केस में इसको अच्छा माना जाएगा अगर गवर्नमेंट कोई अच्छे चीज़ में, प्रोडक्टिव एसेट्स में इसको क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है, जैसे कि हाईवेज बनाने में, जो कि हमारी इकोनॉमी को भी ग्रो करेगा और हमारे जॉब क्रिएशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसे टाइम क्या हो जाता है, फिजिकल डेफिसिट को अच्छा माना जाता है कि हाँ हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है, तो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। डेफिसिट स्पेंडिंग एंड द डेप इनकर्ड टू सस्टेन द स्पेंडिंग कैन हेल्प कंट्रीज क्लाइंब आउट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, डेफिसिट अगर स्पेंडिंग हम कर रहे हैं, डेप आ रहा है, तो ये क्या होता है, सस्टेन दैट स्पेंडिंग कैन हेल्प कंट्रीज। अगर हम स्पेंडिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमिक रिसेशन हुए उससे बाहर निकलने में वो हमें ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट न्यू आइटम है बाबा कल्याणी कमेटी। बाबा कल्याणी कमेटी क्यों बनाई गई है सबको पता है, फिर भी जान लेते हैं। द बाबा कल्याणी लेड कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू स्टडी द एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड हैड सबमिटेड इट रिकमेंडेशन इन नवंबर। ठीक है, इसको बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये क्या करती है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनके पॉलिसी को डिसाइड्स करती है, उनके रिकमेंडेशन को सबमिट करेगी नवंबर में। ठीक है, अपने रिकमेंडेशन को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमिटी वर टू इवेलुएट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी एंड मेक इट WTO कंपेटिबल। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी जो है उसको क्या कर सके, उसको इवेलुएट कर सके और उसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर सके, कंपेटिबल बना सके। ठीक है, जैसा कि अभी हमने फिजिकल डेफिसिट पढ़ा, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अगर हम लोग कुछ भी इम्पोर्ट करते हैं तो वो हम लोग फिजिकल अपने डॉलर्स दे के ही इम्पोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, डॉलर से ही एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यही जो हम लोग का इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा डॉलर्स जा रहा है। तो इसीलिए जो बोला गया है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया जाएगा। ठीक है, उस इकोनॉमिक जोन में अगर आके कोई भी काम करता है और वो अपने प्रोडक्ट फॉरेन में सप्लाई करता है तो वहां पे क्या होगा, ये उनके लिए छूट दी जाएगी कि उन पर टैक्स नहीं लगेगा, उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, वो खाली अपने सामान को फॉरेन सप्लाई करें और डॉलर बढ़ाएं ताकि हमारा जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सके, फिजिकल डेफिसिट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, यही होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सजेस्ट मेजर फॉर मैक्सिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ वैकेंट लैंड इन SCG। वो क्या करेगा, जितने भी वैकेंट लैंड है, खाली जमीन है, उनके लिए सजेस्ट करेगा कि वहाँ पे इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया जा सके। ठीक है, सजेस्ट चेंजेस इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड मर्ज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी विथ अदर गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स,
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन एंड फूड एंड टेक्सटाइल पार्क। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इनको और भी गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा पॉलिसी के साथ। जैसे ये सब पॉलिसीज है इनके तहत क्या कर दिया जाएगा, इनको मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का न्यूज़ हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। होप आपको ये सारी न्यूज़ समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए। और अगर आप चाहते हैं मैं यूपीएससी के प्रस्पेक्टिव से क्या करूं, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी ये सब जो हमारे थ्योरी पार्ट्स हैं उनको भी लेके आऊं जल्द से जल्द, या जो भी दिन की बड़ी न्यूज़ होती है उसका एनालिसिस मैं करूं विथ हैंड रिटन नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।